नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीवी रन भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और अड़ी का स्पेशल एडिशन पिछले कुछ दिनों से सरयू किनारे राम की पैड़ी से अयोध्या से देख रहे हैं आप। और लगातार हम यहां राम जन्मभूमि से राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, राम के नाम पर जो इस वक्त रेस लगी हुई है, उस पर बात कर रहे हैं। और देखिए, राम का नाम है, राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से कई विभूतियां अयोध्या पहुंच रही हैं। और ऐसे ही एक विभूति स्वामी चिदानंद सरस्वती इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के मंच पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का स्वागत कीजिए। और तेज, आपकी तालियों में जोश होना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। स्वामी जी, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह अद्भुत है। अयोध्या में सरयू किनारे बैठकर इसको महसूस करना अपने आप में एक एहसास है। लेकिन स्वामी चिदानंद सरस्वती जो अभी सीधे अमेरिका से अयोध्या आ रहे हैं, उनको कैसा लगा ये वाइब्रेशन, कैसी महसूस हुई अयोध्या, कैसी महसूस हुई और क्या भाव है उनके मन में जब वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए हैं? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अयोध्या की ये लहरें, सरयू की ये लहरें, ये पूरे विश्व में पहुँच रही हैं, पूरे विश्व में पहुँच रही हैं। और जैसे ही मैं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर जब मैं आगे बढ़ रहा था, बहुत सारे भारतीय थे, तो पता है क्या बोले? बोले, आप भी जा रहे हैं क्या? अच्छा, आप भी जा रहे हैं क्या? तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये नहीं कहा कि भारत जा रहे हैं, बोले अयोध्या जा रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो भाव है। दूसरी बात, मैंने चार पांच हमारे सिख भाई बैठे हुए थे फ्रंट की सीट पर, तो उनके देखते ही वो मुस्कराए और नमस्कार किया। तो मैंने कहा सत श्री अकाल। जैसे मैंने कहा सत श्री अकाल, उनका जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम। ये है लहरें, सरयू की लहरें। ये केवल सरयू की लहरें नहीं, ये सनातन की लहरें हैं। आज यहाँ पर केवल शीत लहर नहीं, बल्कि सनातन की लहर प्रवाहित कर रही है और पूरे विश्व को आप्लावित कर रही है, जिसका असर मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, भगवान श्री राम विराजमान होंगे, पूजन होगा, ठीक उसी समय टाइम स्क्वायर पर, जहाँ पर न्यूयॉर्क में इतना आसान नहीं होता कोई कार्यक्रम को करना, वाह आइए बैठिए, इतना आसान नहीं होता है कार्यक्रम करना, लेकिन वहाँ पर भी आपको आश्चर्य है, इतना बड़ा समागम होने जा रहा है कि पूरा विश्व उसका दर्शन करेगा। ये है भारत की लहर, ये है सनातन की लहर। स्वामी जी, वाकई आपकी बातों से तो लगता है कि पूरे विश्व में इस वक्त राम नाम गूंज रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये सरयू की लहर नहीं है, ये शीत लहर नहीं है, ये सनातन की लहर है। इन सनातन की लहरों में कुछ विवाद भी हिलोरे मार रहे हैं। कोई कहता है कि राजीव गांधी जिसने ताला खुलवाया उसने मंदिर बनवाया। कोई कहता है कि ये केवल और केवल हिंदू वोटों के लिए हो रहा है। बहुत सारे विवाद हैं। सबसे पहले आपका क्या मानना है, क्या वाकई इस राम मंदिर के साथ जो विवाद जुड़े हुए हैं या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्वामी चिदानंद सरस्वती क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, जब घर में भी कोई महोत्सव होता है ना, घर में भी परिवार में जब खुशियों का माहौल होता है, छोटी मोटी कोई बात आती है ना, उस समय कहते हैं यार इस समय तो मत करो। ये समय, ये माहौल मरसिया पढ़ने का नहीं, मातम मनाने का नहीं, महोत्सव मनाने का माहौल है। ये महोत्सव मनाने का माहौल है। और ऐसे माहौल में याद रखें, ताला खुलवाया, अभी तो दो बाकी हैं, शुरू कर दो, उसी से शुरू कर दो कम से कम अपनी राजनीति को। ताला खुलवाया, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन अभी तो मेरे से किसी ने पूछा, व्हाट अबाउट काशी, व्हाट अबाउट वापी, ज्ञान वापी? मैंने कहा मैं पूछता हूँ उन लोगों से, वहीं से अपनी राजनीति की बात शुरू करो। सच तो ये है, ताला खुला
लेकिन आज सबको अपनी आंखों के जाले को तोड़ने की जरूरत है, अपनी आंखों के जाले निकालने की जरूरत है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इसलिए कि मुझे अपने देश के संविधान पर विश्वास है, हमारे देश के न्यायमूर्तियों ने ऐसा फैसला दिया, सारे फासले दूर कर दिए। न्याय की ये अयोध्या की आज कल जो प्रतिष्ठा हो रही है, ये कोई मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं है, ये मर्यादाओं की प्रतिष्ठा है, ये कोई सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं है, ये सत्य की प्रतिष्ठा है, ये कोई भोग की संस्कृति नहीं है, ये त्याग की संस्कृति है, जहाँ पर अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। तो ये चीज़ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी को क्यों नहीं समझ में आ रही? वो कह रहे हैं कि ये अर्धनिर्मित मंदिर है, मुहूर्त पर सवाल उठाए उन्होंने कई सवाल उठाए इस पर। पहली बात तो मुहूर्त, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि एक विद्वान पुरुष हैं, लेकिन आज समय आ गया है सारी विद्वत्ता से भी ऊपर नम्रता को सामने लाने का। आज समय आ गया है कि जो कोई समस्या नहीं है उसको भी समस्या नहीं बनाने का बल्कि समाधान लाने का। संतों का काम तो समाधान लाना होता है। यदि कोई बात थी भी मुहूर्त की, वो भी उस मुहूर्त को जिसको काशी के विद्वानों ने निकाला, जिसको काशी की विद्युत परिषद ने निकाला। अरे मुहूर्त तो वशिष्ठ ऋषि जी ने भी निकाला था, लेकिन वशिष्ठ जब महर्षि ने निकाला, राज तिलक होते होते वनवास हो गया, मुहूर्त धरे के धरे रह गए। और आज 500 वर्षों के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है। लोगों के दिलों को पढ़िए, लोगों की भावनाओं को पढ़िए, लोगों के जज्बे को पढ़िए। आज सबसे बड़ा मुहूर्त है जो 500 वर्षों के बाद एक ऐसा मुहूर्त जब गर्भालय में भगवान गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या मुहूर्त होगा? नहीं, लेकिन एक मुहूर्त अभी 3 महीने बाद और आएगा चिदानंद सरस्वती जी। और क्या वो जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये 2024 में हिंदू वोटों की लड़ाई भी है जो हम अयोध्या में देख रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं तो कहना चाहूँगा, मैं पूरे विश्व में जाता हूँ, 45 साल और 50 साल पहले के मैंने अमेरिका को देखा है, जिस समय ना कोई भारत और भारतीयों को पूछता था, बात नहीं होती थी, प्रधानमंत्री जाते थे चुपचाप चले आते थे, कोई पूछता नहीं था, अपना ही लाभ लश्कर और अपना ही तमाशा। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, हजारों की संख्या में हॉल छोटे पड़ जाते हैं, माल छोटे पड़ जाते हैं, सबके दिल खुल जाते हैं, सब लोग जुट जाते हैं। ये क्या है? ये भारत की उस प्रतिष्ठा का, भारत के उस करिश्मे का, जिसको भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर करके दिखाया। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरव जी, इस देश के गौरव को मैंने देखा है कि जब ओलंपिक होते थे, ओलंपिक मेरा दिल टूट जाता था कि कोई भारतीय वहाँ मुझे नहीं दिखता था पदक लेते हुए। आज इन 10 सालों में ना जाने कितने पदक लेकर आए हैं, कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है, ये है भारत का गौरव। ठीक है, आप जब ये बोल रहे हैं तो उसी वक्त थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें आई हैं जब प्रधानमंत्री रामेश्वरम में हैं, वहाँ उन्होंने अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाई समुद्र में, उसके बाद वो जो 21 कुंड है उनके पानी से उन्होंने स्नान किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में विधान के प्रधान बन गए, आप ये कह रहे हैं? देखिए वहाँ जाने से पहले जब महाराष्ट्र में गए, वो महाराष्ट्र के उस मंदिर में झाड़ू लगाने से पहले, पोछा लगाने से पहले उन्होंने उस वर्ली सी फेस के उस पुल का उद्घाटन किया, जो पूरे विश्व का एक अपने आप में अद्भुत पुल है। इतने कम समय में, इतने कम पैसे से तैयार हो गया। पहले भी पुल बन सकते थे, पहले भी सड़कें बन सकती थी, पहले भी अयोध्या थी, पहले भी गलियाँ थी, पहले भी गंदगी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बात को पक्का किया कि प्रतिष्ठा हो रही थी, बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा के इवेंट को भी ऐसा इवेंट बना दिया कि पूरे देश के मंदिरों में सफाई होने लगी, पूरे देश के जाले उतरने लगे। कम से कम इतना तो करें कि लोगों की आंखों से जाले उतरें। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, हाँ, मुख्य यजमान है वो, अगर वो तो वो पूरा उस अनुष्ठान का, पूरा प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अर्न किया है, वो जो कर रहे हैं वो लोगों से कनेक्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं,
जिस भी धार्मिक अनुष्ठान पर बैठते हैं या जिस भी मंदिर में जाते हैं, वो लोगों को जोड़ लेता है। वो लोगों को लगता है कि हाँ, ये कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बहुत तन्मयता से किसी धार्मिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। गौरव जी, वो जो भी करते हैं चुनाव की वजह से नहीं करते, उनको तो परमात्मा ने चुन लिया है। जिसको परमात्मा चुन लेता है, उनको चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, उनको दलों की। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी को भी नहीं, किसी संघ को भी नहीं, उनको तो परमात्मा ने चुना है और परमात्मा चुनकर लाए हैं। जिनका चुनाव परमात्मा ने किया हो, जिनका चुनाव प्रभु ने किया हो, उस किश्ती का क्या जिसका सुरक्षा परमात्मा खुद कर रहा हो। इसलिए वो व्यक्ति लोगों के दिलों को जीतता है, वो दलों के लिए काम नहीं करता, वो दिलों को जीतता है। वो चुनाव की परवाह नहीं करता। अगर चुनाव की परवाह होती तो चुनाव सिर पे था, लोग वोट डाल रहे हैं और वो केदारनाथ में बैठकर ध्यान लगाए हुए हैं। सुन सजना सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये गीत नहीं गा रहे थे, बल्कि वो तो गा रहे थे कि मैंने तुम्हें चुन लिया नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये तेरे को चाहिए तो चुन ले। तो क्या आप कह रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2024 में इसी को देख के जनता भी कह देगी मैंने तुझे लिया चुन? मैं कहना चाहता हूँ ये जनता का सौभाग्य होगा कि अगले 10 साल, इन 10 सालों में वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ। अगले 10 सालों में वो होगा जो पूरा विश्व देखेगा, जो 700 साल में खोया वो सारा का सारा यश, वो सारा वैभव पुनः प्राप्त करेंगे। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। इसलिए जो बचा है उसको बचाए रखने के लिए आज देश को मोदी जी चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको कुछ चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उनको कोई प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, बल्कि इसलिए चाहिए कि देश को, इसलिए चाहिए कि देश को उस शिखर को छूना है जिस शिखर की उसको तलाश है, उस शिखर के जिसको उसका स्थान है, वो स्थान प्राप्त कराने के लिए इस देश को मोदी जी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम सबको मिलकर, भगवान राम तो नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम नए भारत में प्रवेश करें, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक बार। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने हमें अपना समय दिया और कह रहे हैं कि ये नए मंदिर में रामलला का प्रवेश नहीं, बल्कि नए भारत में प्रवेश है देश का। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती हमारे साथ थे।